हेलो गाइस, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। और इन दिनों टीवी टाउन में कई ऐसे सीरियल्स होते हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आते हैं, और फैंस उन सीरियल्स में नज़र आने वाले स्टार कास्ट और वहाँ उस सीरियल के जो लीड जोड़ियाँ होती हैं उन्हें रियल लाइफ में भी एक साथ देखना चाहते हैं। तो वहीं अगर बात करें कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बेपनाह के बारे में, तो जैसा कि आप जानते ही कि ये शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है और फैंस इसके लिए खासा डिमांड कर रहे हैं कि बेपनाह का सीजन 2 लाया जाए, जिसकी वजह से मेकर्स का तो पता नहीं वो लाएंगे या नहीं, लेकिन फैंस की जो डिमांड है वो कुछ और ही है। वो चाहते हैं कि जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा, ये दोनों अगर बेपनाह सीजन 2 में नहीं आते हैं तो किसी और सीरियल में इन्हें लाया जाए। वेल, बता दें आपको कि ये तो सीरियल मेकर्स के ऊपर है कि वो सीरियल की कहानी आगे बढ़ाएंगे या नहीं, लेकिन साथ ही साथ एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर भी है, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि इस शो का सीजन 2 आए, या फिर ऐसा कहा जा रहा था इस शो को ऑफ एयर होने के पीछे कि इस शो की TRP थोड़ी सी कम हो गई थी, जिस वजह से उन्हें ये शो के लिए ऑफ एयर करना पड़ा। लेकिन बता दें आपको कि इस सीरियल के मेकर्स को और साथ ही साथ एक्टर एक्ट्रेसेस को भी ये कहा गया था कि अगर इस सीरियल की TRP कम है, लेकिन ये सीरियल यूट्यूब पर यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देखा जाता है, तो इसे वूट पर टेलीकास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा यानी कि आदित्य और जोया नहीं माने, जिसकी वजह से इस सीरियल को ऑफ एयर करने का फैसला लेना पड़ा। वेल, इस सीरियल की लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि आखिरी शूटिंग भी हो चुकी है, आखिरी एपिसोड भी शूट किया जा चुका है, जो जिसकी कि हैप्पी एंडिंग बताई जा रही है। लेकिन अब इस शो का नया सीजन आएगा या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फैंस आदित्य जोया के रोल में नज़र आने वाले हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट के बारे में क्या कुछ सोचते हैं वो सारा कुछ वो अपने कमेंट्स के जरिए भेजते हैं, तो हम उनके खास कमेंट्स आप तक लेकर आते हैं और उनके कमेंट्स आप तक पहुंचाते हैं। हो सकता है इसमें से एक आध कमेंट आपका भी हो, तो वही सारे कमेंट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम में, जो फैंस ने कमेंट्स किए हैं वो पढ़ने और साथ ही साथ समझने की फैंस क्या चाहते हैं। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बेपनाह का इन दिनों ऑफ एयर होने की खबरें सामने आ रही हैं, और इस खबर के आने के बाद फैंस को थोड़ा दुख तो होगा ही, क्योंकि आखिर उनका फेवरेट शो है, और साथ ही साथ इस सीरियल में हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती है, जिसकी वजह से फैंस इस खबर से थोड़े से आहत है। लेकिन आपको बता दें कि इस शो की TRP कम होने की वजह से इस शो को वूट पर टेलीकास्ट करने की बात सामने आई थी, जो कि हर्षद और जेनिफर यानी कि इस सीरियल में नजर आने वाले जोया और आदित्य को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, जिस वजह से इस सीरियल के ऑफ एयर होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सीरियल की TRP कम होने की वजह इस सीरियल का टाइमिंग का बार बार चेंज करना है, और साथ ही लेट नाइट यानी कि 10:30 बजे टेलीकास्ट होने की वजह से इसकी TRP गिर रही है। हालांकि इसके बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन असली रीजन क्या है ये खुलकर सामने नहीं आया है। वेल, इस सीरियल के ऑफ एयर होने की खबरों को सुनकर फैंस ने क्या कुछ कमेंट किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। जी हाँ, एक फैन लिखते हैं, जेनिफर हर्षद को देखे बगैर कैसे दिन गुजरेंगे, समझ नहीं आ रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं जोया आदित्य को, लव यू सो मच। तो वही आगे वो लिखते हैं कि प्लीज कम बैक वेरी सून, वेटिंग फॉर वॉच यू बोथ गाइज, लव यू बेपनाह। जिससे ये तो साफ है कि फैंस इतने दीवाने हैं कि इन्हें देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और इनकी शुरुआत इन दोनों को देखकर काफी अच्छी होती है, और जिस वजह से दोनों के जाने से इस फैन को खासा दुख है। तो वही एक फैन लिखते हैं, कलर्स फुल ऑफ तंत्र मंत्र शो विच गिव्स नेगेटिव वाइब्स टू सोसाइटी एंड मेक्स पीपल टू फॉल इन ग्रिप ऑफ मोर सुपरस्टिशियस लाइफ, वी हैव टू अप्लाई आवर सोसाइटी फ्रॉम ऑल दीज एविल आइडियाज, हैविंग सो मच स्ट्रेस इन लाइफ व्यूअर्स वॉन्ट टू वॉच एट लीस्ट इन TV रोमांटिक एंड ब्यूटिफुल शो लाइक बेपनाह ओनली, इट्स रिलैक्स आवर माइंड। जी हाँ, फैन कहते हैं कि तंत्र मंत्र जैसे सीरियल्स से कहीं ना कहीं सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इसलिए हम TV नहीं देखते, हम TV इसलिए देखते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा माइंड शांत हो सके, और साथ ही साथ रोमांटिक सीरियल देखने के बाद से थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके।
जिससे ये तो साफ है कि फैन फिलहाल तंत्र को नहीं देखना चाहते। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस बेपनाह शो को रिप्लेस कर रहा है आने वाला नया शो तंत्र, जिसमें आपको काफी कुछ सुपर नेचुरल पावर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ इस सीरियल में आपको अदा खान नजर आएंगी। साथ ही साथ इस सीरियल में आपको नई एक्ट्रेस नजर आएगी। तो वहीं एक और नया सीरियल शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है विश कन्या, इसमें आपको अदा खान दिखाई देंगी। वेल, इन दोनों नए सीरियल्स ने इन दो नए सीरियल्स बेपना और सिलसिला बदलते रिश्तों का को रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से फैंस खासा नाराज हैं मेकर्स से और साथ ही साथ कलर्स टीवी से भी। तो वहीं आगे फैन लिखते हैं, बैक बेपना सून फॉर व्यूअर्स, वी कांट रिसिस्ट इट ऑफ एयर। जी हाँ, फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये सीरियल ऑफ एयर हो और इस वजह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि बेपना को दोबारा लाओ और हम वही देखना चाहते हैं। और साथ ही जोया आदित्य का रोमांस इन्हें काफी पसंद आता है। तो अगले फैन लिखते हैं, सिर्फ थोड़े से नाराज नहीं, बहुत नाराज हैं हम। जी हाँ, फैंस कहते हैं कि हम थोड़े बहुत नाराज नहीं, बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी है सीरियल मेकर से और कलर्स टीवी से। तो वही अगले फैन लिखते हैं, प्लीज 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 कम बैक जोया एंड आदित्य, बोथ आर माई फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, लव यू जेनिफर एंड हर्षद। तो अगले फैन लिखते हैं, यस कम बैक बेपना जोया आदित्य प्लीज एंड नाइस वीडियो थैंक्स। अगले फैन लिखते हैं, जेनी एंड हर्षद का कोई शो बना दीजिए प्लीज अनुराग सर। जी हाँ, फैन ये भी कहते हैं कि अगर बेपना नहीं तो कोई और सीरियल बना दीजिए जिसमें जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा नजर आए, जिससे ये तो साफ है कि बेपना में जेनिफर और हर्षद की जोड़ी को पसंद करने वाले फैंस सीरियल की कहानी से ज्यादा कहीं ना कहीं दोनों की जोड़ी और इनकी केमिस्ट्री पसंद करते हैं, जिस वजह से इस सीरियल को थोड़ी बहुत टीआरपी मिलती थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जेनिफर और हर्षद आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग जहां ऑन स्क्रीन देखने को मिलती है तो ऑफ स्क्रीन भी इनकी खासा बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, यस वी ऑल वॉन्ट आर जेनसद बेपना बैक सीजन 2। जी हाँ, एक फैन लिखते हैं कि सीजन 2 आ जाए इस सीरियल का। जैसा कि आप जानते हैं कि कई टाइम से जो फैंस है वो चाहते हैं कि इस सीरियल का सीजन 2 आ जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैंस के दिल की ना सुन के मेकर्स अपनी मर्जी के करते हैं और कहीं ना कहीं इस सीरियल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और फैंस जैसा चाहते हैं कि इस सीरियल का सीजन 2 आए, तो वहीं फिलहाल सीजन 2 के आने की कोई खास खबर सामने नहीं आ रही है। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, कुछ भी कीजिए पर जनसद यानी कि जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा को वापस ले आइए प्लीज, जिससे ये साफ है कि जहां ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी फैंस को अच्छी लगती है तो ऑफ स्क्रीन भी इन लोगों ने इनका एक नया नाम देकर इनकी एक खास पहचान बना दी है। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, बेपनाह 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 प्यार है आदित्य से। जी हाँ, कोई ऐसे फैन हैं जो कि आदित्य के खासा फैन हैं, जिस वजह से वो इस तरह का लिखते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इस सीरियल का टाइटल सॉन्ग है बेपनाह प्यार है तुमसे, तो वहीं ये फैन लिखते हैं, बेपनाह 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 प्यार है आदित्य से। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, प्लीज जेनसद वापस आ जाओ। जी हाँ, जिससे साफ है कि फैंस ने इनका जो नाम दिया है जेनसद यानी जेनिफर एंड हर्षद का नाम मिलाकर जेनसद नाम रख दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि फैंस इनकी जोड़ी के किस कदर दीवाने हैं। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, प्लीज सर आदित्य को वापस ले आओ। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, आदित्य के बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। जी हाँ, ये फैन कुछ ज्यादा ही उनके फैन लग रहे हैं, जिससे उन्होंने लिखा है, आदित्य के बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, वर्ल्ड बेस्ट कपल जेनसद। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, लव यू सो मच जेनिफर विंगेट एंड हर्षद चोपड़ा, जिससे ये साफ है कि फैंस अभी भी चाहते हैं कि दोनों एक साथ नजर आए। तो अगले फैन लिखते हैं, प्लीज 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 जोया और आदित्य को वापस लाओ किसी भी सीरियल में। आई लव यू जोया एंड आदित्य, और जोया और आदित्य रियल लाइफ में भी हम सफर बने। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, आई लव यू हर्षद एंड जेनिफर, लव बेपना। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, लव यू सो मच जेनसद। तो अगले फैन लिखते हैं, प्लीज 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 हर्षद एंड जेनिफर कम बैक टुगेदर विद बेपना सीजन 2। प्लीज बेपना का सीजन 2 जल्दी से ले आओ, मिस यू हर्षद एंड जेनिफर, प्लीज कम बैक टुगेदर विद बेपना सीजन। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं, प्लीज आप लोग बेपना 2 लेकर के आओ। तो वहीं अगले फैन लिखते हैं,
जेनिफर हर्षद को देखे बिना कैसे गुजरेंगे दिन, जिससे आप समझ सकते हैं कि फैंस जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा को कितना प्यार करते हैं। और साथ ही फैंस इन कमेंट्स के जरिए अपनी बातें जेनिफर और हर्षद तक पहुंचाना चाहते हैं। तो गाइस, देखा आपने कि किस तरह से जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा को लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। और साथ ही साथ फैंस ये चाहते हैं कि अगर इस सीरियल का सीजन 2 नहीं आता तो कम से कम दूसरे किसी सीरियल में इन दोनों को एक साथ दिखाया जाए। और इससे साफ है कि फैंस इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद करते हैं। और अगर आप भी इन दोनों के दीवाने हैं तो अपने कुछ कमेंट्स हमें भेजिए जो कि हम आप तक पहुँचा सकें, और मे भी ये सीरियल मेकर्स और आपके फेवरेट एक्टर्स तक भी पहुँचे। और आपको ये खास प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।